इस वीडियो का मकसद किसी भी पर्टिकुलर यूट्यूबर को टारगेट करना नहीं है, और अगर आपको मेरी किसी भी बात से बुरा लगता है तो पहले ही हाथ जोड़ के मैं माफी मांग रहा हूँ, भाई समझ के मेरे को माफ कर देना। लेकिन जो भी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बिल्कुल सही बात है, 101% सही बात होने वाली है, आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगी। एक समय हुआ करता था जब CBSE वगैरह के अपडेट्स साल में ज्यादा बार नहीं आते थे, मैक्स टू मैक्स 10 बार आते थे। लेकिन आज ऐसा टाइम आ चुका है, CBSE भले ही 4-5 बार अपडेट करती हो बट आप लोग वही सेम अपडेट 500 बार देखते हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, CBSE ने टोटल एक साल में अगर 10 सर्कुलर्स जारी किए तो आप टोटल 500 से 1000 सर्कुलर देखते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि ये CBSE के अपडेट्स की जो आप वीडियोज आप देखते रहते हैं कितना ये सच होता है कितना झूठ होता है। टर्मन एग्जाम ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे, कैंसिल करवा दो, आपको जितना ईजी लगता है ऑनलाइन कराना या कैंसिल कराना, वो मैं सारी चीज़ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ में जो आप सुबह से शाम तक पढ़ने की बजाय CBSE के अपडेट्स देखते रहते हो, मोटिवेशन की तरह उसको देखते रहते हो कि सब पास होंगे, ये होगा वो होगा, क्या उसकी सच्चाई है। मैं एक यूट्यूबर हूँ, आल्सो आई एम स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट की तरफ से भी देख सकता हूँ, आप लोगों का दर्द मैं समझ सकता हूँ, तो मैं आपकी साइड से भी बोलूँगा कि आप लोग क्या फील करते हो। साथ में एज अ यूट्यूबर 3 साल से मैं यूट्यूब पर हूँ, क्या पीछे चलता है क्रिएटर्स के, यानी आप देखते हो ना यूट्यूब पर पीछे वो क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं अपने बारे में, आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो सारी चीज़ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किया जाए तो लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस। जल्दी शुरू करते हैं। सो यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यूट्यूबर कोई भगवान नहीं होते हैं कि कुछ भी कंट्रोल कर रहे हैं। CBSE को यूट्यूबर्स कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ का दिमाग रखा। अगर एग्जाम कैंसिल होंगे, ऑनलाइन होंगे, कुछ भी होंगे, यूट्यूबर्स के कहने पे नहीं होंगे, वो CBSE तय करेगा होंगे कि नहीं। जो आपको लगता है ना यूट्यूबर्स भगवान है, यूट्यूबर्स भगवान नहीं है, यूट्यूबर्स बस एक तरीके की कम्युनिटी है जहाँ पे बहुत सारे लोग ऐड हैं। अगर यूट्यूबर्स कोई चीज़ बताते हैं तो बहुत सारे लोगों तक वो चीज़ फैल जाती है, बस इससे ज़्यादा कुछ यूट्यूबर्स नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा यूट्यूबर्स बहुत बेकार लोग होते, नहीं, बहुत अच्छी बात होती है, बट मैं आपको बता रहा हूँ जो आप समझते ना यूट्यूबर्स ये करवा देंगे और वो करवा देंगे, नहीं, गलत सोचते हैं आप। और CBSE की अपडेट्स की बात जहाँ तक रही, CBSE जब भी कोई अपडेट करता है उनकी वेबसाइट पर जाओ, जो उन्होंने सर्कुलर जारी किया है वो देख लो, समझ लो, नहीं आ रहा तो सर्च कर लो, क्या ज़रूरत है कि सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल्स को ही फॉलो करके CBSE की अपडेट्स देखना। यूट्यूब चैनल्स का काम है भाई साहब, होने चाहिए व्यूज़, व्यूज़ मिलेंगे तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो भाई साहब उनका नाम होगा, रीच बढ़ेगी चैनल की, पैसे मिलेंगे, समझ रहे हो। तो वो तो भाई साहब बनाएंगे, एक अपडेट आया वो उस एक अपडेट को तोड़ मरोड़ के 10-10, 20-20 बहुत सारी वीडियोस खींचेंगे। डेली CBSE की अपडेट्स पे वीडियो बनती हैं और लोग क्या मतलब आप लोग देखते भी तो हो, फिर वैसे ही अपडेट्स नहीं आते CBSE की डेली, बट यूट्यूबर्स बना देते हैं। वो CBSE का आया नया अपडेट, ये होगा वो होगा, बताते सब पिछली बातें जो आपको पहले से पता होती है, और हर बार आप एक तरीके से कहें तो वो बन जाते हो, हाँ बस आप बन जाते हैं फिर वो, तो हर बार आप जब भी उनकी वीडियो देखते हो पूरी देख लेते हो, समझ में आता कि हम तो बन गए, वो तो बन जाते हो आप वैसे ही। गलती आपकी नहीं है, गलती यूट्यूबर्स की नहीं है, दोनों लोगों की है, यूट्यूबर्स की भी आपकी भी है। यूट्यूबर्स की गलती ये है कि वो ऐसी वीडियो बहुत ज़्यादा बना रहे हैं अपने लालच के लिए, और आपकी गलती ये है कि आप उन्हें देख रहे हो, तो ना यूट्यूबर की गलती ना आपकी गलती है। आप जैसा कॉन्टेंट पसंद करते हैं यूट्यूबर्स वैसे बना देते हैं, अब उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। वो अगर एक यूट्यूबर या मैं कोई भी एक अच्छी वीडियो बनाता है पढ़ाने वाली, तो बहुत कम लोग उसको देखते हैं, व्यूज नहीं आते हैं। वही बार CBSE के ये अपडेट आए वो आया, भाई साहब इतने व्यूज आते हैं दबा के, मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता हूँ। तो किसकी मजबूरी है, यूट्यूबर्स की, आपकी, दोनों लोगों की। आपको भी बंदा आता है देखने में CBSE के अपडेट, हर बार बन जाते हैं, और क्रिएटर भी आराम से पैसा कमा रहे भाई साहब, बच्चे जो चाह रहे हैं भाई बोल दे रहे, बच्चे को ये दिक्कत हो रही है, वो हो रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ स्कूल से, वो कहना चाहता हूँ। अरे भैया भगवान नहीं हो आप, जो आप कुछ भी उठा रहे हो, मतलब बच्चों की प्रॉब्लम बच्चों के सामने रख दी आपने, हो गया काम, क्या मतलब है। मैं यही कहना चाहूँगा CBSE की अपडेट्स के पीछे पागल ना हो, पढ़ाई पर ध्यान दे लें, एट लास्ट आपका एग्ज़ाम होगा, आप जो लिख कर आएंगे उसी से आप पास होंगे, एंड एग्ज़ाम इतना कठिन नहीं होता है, आप ईजिली क्रैक कर लेंगे, डरे वगैरह नहीं। और ये जो CBSE की अपडेट्स वगैरह जो आप देखते रहते हैं सुबह से शाम तक, यूट्यूबर्स को आगे बढ़ा रहे हैं देख देख के, वो आपके कहीं भी पास कराने में काम आपको नहीं आएंगे, मैं क्लियर बोल रहा हूँ एकदम। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यूट्यूबर्स एग्ज़ाम कैंसिल करा देंगे, तो मैं आपको बता दूँ यूट्यूबर्स के पीछे की बात, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले साल भी जो एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे, बोर्ड एग्ज़ाम, लगता है ना यूट्यूबर्स ने करा दिए थे, तो लगने दो, क्योंकि वो यूट्यूबर्स ने कराए नहीं थे, उसमें कोर्ट में गया था कोई, तब हुआ था,
जब जरूरी नहीं है कि यूट्यूबर्स ही कोर्ट में जाएं, यूट्यूबर्स बस एक तरीके से वीडियो बना देते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं बस, बाकी सारी चीज़ सुप्रीम कोर्ट बैठा है, सीबीएसई बैठा है, वो डिसीजन लेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम आ गए, पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दो। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, इस दुनिया में आपके मम्मी और पापा को छोड़ के हर एक इंसान आपको चारों तरफ से खाने के लिए तैयार बैठा है। बचा पाओ तो अपने आप को बचा लो। जो आपको लगता है ना कि वो आपका दुख दर्द कम कर रहे हैं, आपको लगता है ना कि वो हमें पास करा देंगे वीडियो बना के, अरे भाई आपकी मेहनत है, आप जो इंसान हो खुद अपने लिए सब कर रहे हो, वो कुछ नहीं लग रहा है ना भैया, वीडियो देखने में जाता ही गया है, 5 मिनट की वीडियो होती है, क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है, पैसा थोड़ी ना आपसे लग रहा है वीडियो का, आपका टाइम लग रहा है, आपको लगता है ना पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूँ, पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, टाइम की कीमत पैसा से ज़्यादा है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को। जितने भी एक्टर्स होते हैं, क्या आपसे कभी पैसे मांगते हैं? नहीं मांगते हैं, लेकिन उनके पास इतना पैसा कहाँ से जाता है? आपने उनको अपना कीमती समय दिया, उन्होंने आपको हंसा दिया, ऐसे पैसा आता है, आपने पैसा नहीं दिया लेकिन अपना टाइम उनको दे दिया, बस उसी से बहुत सारा पैसा कमाते हैं। अपनी आँखें खोल लो, सही कॉन्टेंट देखो, पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दो। ऑनलाइन एग्जाम होंगे, कैंसिल होंगे, सीबीएसई के अपडेट्स, कुछ नहीं होने वाला है, टाइम आ गया है, पढ़ना आपको पड़ेगा। एट लास्ट पूरी साल आपने जो सीबीएसई के अपडेट्स देखे, वही आपके आप एग्जाम में कराओगे कि सीबीएसई ने अपडेट में कहा था कि मॉडरेशन लगाएंगे, ये करेंगे, कौन सर ने बोला था, अरे बच्चों हम तो पता नहीं क्या करा देंगे, वो लिखकर आओगे क्या? बड़े हो गए हो, थोड़ा सा समझो। और एक चीज़ बता दूँ, टॉपर जितने भी होते हैं उन्हें पता है ये सीबीएसई के अपडेट्स वगैरह क्या चलता रहता है। यहाँ पे कुछ ही लोग होते हैं जो फंसते हैं, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ उन लोगों को, आप ही हो जो यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हो, आगे बढ़ाते हो, बट फिर भी थोड़ा बुद्धि खोलो यार, पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करो। जो आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, अच्छी वैल्यू दे रहे हैं, उनकी वीडियो देखो, अपडेट जब भी आते हैं पहले सीबीएसई की वेबसाइट पर जाके देखो कोई सर्कुलर आया कि नहीं, उसके बाद ही आप देखें कि हाँ यूट्यूबर्स क्या वीडियो बना रहे हैं। लेकिन नहीं, सीबीएसई की वेबसाइट पर कोई भी सर्कुलर नया जारी नहीं हुआ और यूट्यूबर्स वीडियो बनाने में लगे, सीबीएसई की तरफ से अपडेट आया, अरे ऑनलाइन होने के चांसेस ये हैं वो हैं, मेरे भाई समझ जाओ, लास्ट बार बोल रहा हूँ, हर एक यूट्यूबर ऐसा नहीं होता है, मैं आपको पहले ही कह देना चाहता हूँ। जो लोग अच्छी वीडियो बना रहे हैं, आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, अच्छे सिखा रहे हैं, उनका वीडियो देखो ना, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो, आपको तो वही चाहिए कि सभी होंगे पास, सीबीएसई की तरफ से आई ये खबर वो, कुछ नहीं होता है। और मैं किसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूबर्स की बिल्कुल गलती नहीं है, मैं यूट्यूब पर 3 साल से काम कर रहा हूँ, मैं यूट्यूबर्स की गलती नहीं मानता हूँ, सिर्फ यूट्यूबर्स की गलती नहीं है, गलती देखने वालों की भी है, देखने वाले भी जो देखते हैं, यूट्यूबर्स का कर्तव्य है उनकी नीड को पूरी करना, सीबीएसई की अपडेट देखना पसंद है लोगों को, उनके बिना उनको नींद नहीं आती अच्छी, तो उन्हें भी कहा भैया बना दो, हमारा क्या जा रहा है, बना दिया। आप बोल रहे हो सर ऐसा होना चाहिए, सर भी बोल रहे हाँ बेटा ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा सीबीएसई को करना चाहिए, बोल दिया सर ने, आपने सुन लिया, खत्म, समझ रहे हो? तो समझो इस चीज़ को, और ये क्या पॉलिटिक्स की तरह चलता रहता है यूट्यूब पर, थोड़ा समझो उसको। अदरवाइज मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ, अगर आप कुछ भी बुरा लगा हो यार तो भाई समझ के मेरे को माफ़ कर देना, जो चीज़ मैंने बताई है वो सच्चाई है एंड बहुत कड़वी सच्चाई है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का ही मैं समाप्त करता हूँ, ट्राई करूँगा कुछ अच्छा कॉन्टेंट आपके लिए लाने की, साथ में सीबीएसई की अपडेट्स भी कुछ मैं कवर करूँगा। द रीज़न इज डेट, अगर सीबीएसई की अपडेट्स कवर मैं ना करूँ तो व्यूज़ नहीं आते हैं मेरे भाई, आप सपोर्ट तो करो अच्छे कंटेंट के लिए, हम आपको देंगे अच्छा कंटेंट। ठीक है, स्वाद की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद।